नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज इस हफ्ते बातचीत करेंगे कि कौन कौन से फंड्स में आप पैसे लगा सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। और चूंकि हम मदर्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इस हफ्ते, तो अपनी माँ के लिए क्या आप एक गिफ्ट के तौर पर फंड रख सकते हैं, आप उनके लिए निवेश कर सकते हैं या वो खुद निवेश कर सकती हैं, और कोई भी व्यक्ति जो इस फंड के जरिए जुड़ेगा वो कैसे कमाई करेगा। तो आज का एक स्पेशल ये बोनस आपको मिलेगा कि आपको अपनी मदर को गिफ्ट करना है तो एक फंड के जरिए आप कैसे कर सकते हैं। इस सब पे बातचीत होगी। बातचीत किसके साथ होगी? तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो तमाम फंड्स के बारे में, तमाम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बेहद अच्छी जानकारी रखते हैं। उनका नाम है फिरोज अजीज़, जो आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO हैं। फिरोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम ये जानना चाहेंगे आज तीन सवालों के तौर पर आपसे कि माँ को अगर गिफ्ट करना है तो वो क्या आप फंड के तौर पर गिफ्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में माँ सार्वभौमिक है, सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं। मदर्स डे के लिए कौन सा एक बढ़िया फंड आप सुझाएंगे हमारे लोगों को? देखिए, मदर्स डे के लिए डेफिनेटली ऐसा फंड होना चाहिए जो माँ को रिप्रेजेंट करता हो और उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर सके। तो मैंने इक्विटी साइड पे एक फंड चुना है जो सबसे लंबी अवधि से कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। और जैसे माँ अपने बच्चों के साथ सदियों तक खड़ी रहती है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उनकी उम्र भर तक वो उनके लिए बच्चा ही रहता है, तो वैसे ही एक फंड जहां पे प्रशांत जैन जी 25 साल से अपने बेबी की तरह इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप, दैट इज द स्कीम व्हिच आई विल गिफ्ट माय मॉम दिस मदर्स डे। एंड इसीलिए नीरज जी वो रेकमेंड कर रहा हूँ। ये फ्लेक्सी कैप फंड है, तो काफी डिफरेंट किस्म की कंपनियों के स्टॉक्स ये खरीदने की क्षमता रखते हैं। तो इसमें बताइए, इस फंड के बारे में थोड़ा, क्या किस किस तरीके से ये निवेश करते हैं, कहाँ ज्यादा इनका फोकस होता है, और इसमें रिटर्न अगर आप एक साल में देखें तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है, और पांच साल का भी देखें तो CAGR 16-17% के आसपास आराम से आता है। तो इस फंड के बारे में थोड़ा बताइए किस किस तरह के निवेश होते हैं इसमें। देखिए, इसमें पहली पॉइंट तो ये है कि ये जो है पूरी मार्केट को कवर करता है। छोटी वर्ग की कंपनियां भी लगा सकता है पैसा, मध्यम वर्ग की भी, बड़ी कंपनियों की, इसीलिए इसका नाम है फ्लेक्सी कैप। तो हर जगह वो अपने पैसे लगाने की क्षमता रखता है, पॉइंट वन। पॉइंट टू, ये जो परफॉर्मेंस है लास्ट वन ईयर की, जैसे आपने कहा नीरज जी, वो थोड़ी एग्जैजरेटेड है, बिकॉज वो कंटिन्यू नहीं हो पाती। पांच साल की जो 16.5 की परफॉर्मेंस है, क्या आप 13-14% की उम्मीद कर सकते हैं? डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं। प्रशांत जैन जी हाई कन्विक्शन बेट्स लेते हैं और वो बड़े करेजियस फंड मैनेजर हैं। उनका जो विश्वास होता है वो स्टॉक्स पे वो डटे रहते हैं, भले ही मार्केट उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करे या नहीं करे। तो इसीलिए जो लंबी अवधि में पैसे बनने हैं, और मैंने बड़ा सोच समझ के इक्विटी स्कीम माँ के लिए रेकमेंड किया है, क्योंकि माँ के अलमारी में काफी बार ऐसा होता है कि ज्वेलरी होती है, बहुत सारे FDs होती हैं, इक्विटी ज्यादातर नहीं होती। अगर मैं अपनी माँ को अपने प्रॉक्सी मानूं ऑफ अ बिहेवियरल पैटर्न, तो इसीलिए मैंने इक्विटी रेकमेंड किया है, जो काफी बार डरावना भी लगता है कि माँ को आप इक्विटी रेकमेंड कर रहे हैं ना कि डेट, क्योंकि उनके बाकी इन्वेस्टमेंट्स ज्यादातर डेट और ज्वेलरी में होते हैं, तो इक्विटी मिसिंग होता है, इसीलिए मैंने ये चुना। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आजकल चेंज भी हम लोग सोसाइटी में देख रहे हैं कि बहुत जागरूकता बढ़ रही है, और कम से कम यंग लेडीज़ जो है इस दिशा में सोच रही हैं। तो आज के आने वाले 10-20 साल बाद जब आप कवर्ड खोलेंगे तो माँ की अलमारी में आपको एक HDFC जैसे या किसी और फंड के आपको पेपर्स मिल सकते, तो ये एक बहुत बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ हो सकता है लोगों के लिए।